तो राज्य में कोरोना कहर यथावत है। राज्य में 14,327 नवा केस सामने आया है। कोरोना की 180 लोग मृत्यु, जारी कि सारवार बाद 9,544 लोग ने रजा आपवामां आवी। तो हाल समग्र दुनिया में कोरोनाए हाहाकार मचाव्यो छे, त्यारे मुख्यप्रधाने नॉर्थ अमेरिका में वसता गुजराती साथे संवाद कर्यो, जेमां कोरोनाना संकट में जीतशे गुजरात मुद्दे चर्चा करी कोरोनाना संकट में बाहर निकळवानो विश्वास पण व्यक्त कर्यो। तो अमदावाद में कोरोना काळो कहर, अमदावाद में 5,319 नवा केस, तो कोरोना थी 25 लोग मृत्यु, सारवार बाद 2,557 दर्दियों ने डिस्चार्ज करवामां आव्या। तो सूरत में कोरोना कहर वखर्यो, सूरत में 2,192 नवा केस, तो 22 लोग मृत्यु, सारवार बाद 2,360 लोग डिस्चार्ज। तो वडोदरा में परिस्थिति चिंताजनक, वडोदरा में 860 नवा केस, 18 लोग मृत्यु, सारवार बाद 454 लोग ने रजा आपवामां आवी। तो राजकोट में चिंताजनक परिस्थिति, राजकोट में 636 नवा केस, जारी के सारवार बाद 710 दर्दियों ने रजा पाई। पंदर मे सुधी में रसीनो पूरतो जत्थो आवी जशे तेवी मुख्यप्रधान विजय रूपाणी ने आशा, 18 वर्षथी वधारेना तमाम लोकोने 6,000 वेक्सिन सेंटर में रसी आपवामां आवशे। राज्यनी कोर कमिटी की बैठक योजाई, सीएम रूपाणी की अध्यक्षता में बैठक मळी, बैठक में महत्वनो निर्णय लेवायो, 15 मे सुधी दर शनि रवि सरकारी कचेरी बंद रहेशे, कोरोनाना प्रसार ने रोकवा निर्णय लेवायो। तो गांधीनगर में हेलीपेड ग्राउंड खाते 1200 बेड की होस्पिटल नहीं बने, हेलीपेड ग्राउंड खाते गटर और एसी सहित मुद्दा की अड़चण, जेना कारण महात्मा मंदिर में कोविड होस्पिटल शुरू करने नक्की करायु, होस्पिटल शुरू थता 15-20 दिवस जेटलो समय लागशे। अमदावाद में जीएमडीसी खाते धन्वंतरी होस्पिटल की बहार दर्दी और सगाओनी लांबी कतारों जोवा मळी, 900 बेड की होस्पिटल में सारवार लेवा दर्दियों की लाइन लागी, जो कि टोकन सीस्टम अनुसार दर्दियों ने सारवार अपाशे। अमदावाद क्राइम ब्रांचे नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन नेटवर्क झड़प्यू, 7 व्यक्तियों की धरपकड़ करी, नकली इंजेक्शन बनाने लोगों ने ऊंची कीमते वेचता होवानो पर्दाफाश कर्यो, क्राइम ब्रांचे 300 वधारे नकली इंजेक्शन जत्थो जप्त कर्यो। तो राज्य और देश में कोरोना की विस्फोटक परिस्थिति ने लेने कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाड़िया निवेदन, कोरोना की बीजी लहर अंगे निष्णातों चेतवनी आपी हती, बीजी लहर माटे भाजपा अध्यक्ष सी आर पाटिल जवाबदार गणाव्या। अमदावादना सरखेज में कोविड केयर सेंटर शुरू करवामां आव्युं, सरखेज कम्युनिटी हॉल में स्थानिक लोकोना प्रयास थी 20 बेडनुं कोविड सेंटर शुरू करवामां आव्युं, ऑक्सिजन सिलिंडर और मेडिकल टीम सतत स्टेन्डबाय। अमदावाद में असारवा सिविल होस्पिटल में ऑक्सिजन की अछत दूर करने प्रयास, 1200 बेड पास रहे ऑक्सिजन प्लांट पास नव प्लांट बन से, नवा प्लांट में आरसीसी फ्लोरिंग रातोरात तैयार कर। तो अमदावाद में कोरोना तांडव, दररोज मोटी संख्या में मृत्यु थई रह्या छे, अंतिम यात्रा माटे शववाहिनी के आप्तजनों खभो पण मळी रह्यो नथी, विजलपुर विस्तार में लारी पर लई जवायो कोरोना मृतक नो पार्थिव शरीर, वीडियो थयो वायरल। धोरण 10 नी विद्यार्थिनी नो वीडियो वायरल, 3 दिवस थी कोरोनाग्रस्त माता हालाकी भोगवता होवानो आक्षेप कर्यो, विविध होस्पिटल ना धक्का खावा छता पण माता ने दाखल करवामां न आव्या, माता ने कई पण थाय तो होस्पिटल जवाबदार रहेशे तेवो आक्षेप कर्यो। सूरत में दर्दियों की संख्या वधी, सूरत नवी सिविल नो गेट सवारे 9 वाग्याए पण बंद जोवा मळ्यो, नवी सिविल में अन्य ओपीडी बंद रहता दर्दियों ने हालाकी पड़ी, तो होस्पिटल में एम्ब्युलेंस और खानगी वाहनों पण प्रतिबंधित छे। तो सूरत में सतत वधी रह्यु छे संक्रमण, शहर में वधु बे खानगी डॉक्टर पण कोरोना की चपेट में आया, मनपाना 3 कर्मचारी पण संक्रमित, 4 पुलिस जवान, 3 शिक्षक, बैंकना 3 कर्मचारी कोरोनाग्रस्त, 69 विद्यार्थी और सीविल होस्पिटल में पण वधु बे कर्मचारी संक्रमित मळी आव्या। तो सूरत में रांदेर, अठवा और वराछा विस्तार में कोरोना संक्रमण यथावत है, रांदेर में 362 और अठवा में 351 केस नोंधाया है, जारे के वराछा ए और बी जोन में एक साथ मिली 345 केस सामने आया है, वराछा बने जोन में मिली पॉजिटिव केस आंकड़ो 17,686 पर पहुंचो।
सूरत में 104 वर्षना दादीए कोरोना सामे जंग जीत्यो। 104 वर्षना वृद्धा 15 एप्रिल ना रोज संक्रमित थया हता। आइसोलेशन में सारवार दरमियान तेओ भजन कीर्तन करता। सूरत शहर में गुजरात बहार थी पण दर्दीओ सारवार माटे आवी रह्या छे। नागपुर थी आवेला कोरोनाग्रस्त दंपति 10 दिवसे स्वस्थ थईने परत फर्या। सूरत आवा माटे एम्ब्युलेंस ने 65,000 चूकव्या हता। राज्य सरकार स्पेशल नोडल ऑफिसर मिलिंद तोरवणी निवेदन, दर्दियों प्रमाण घट्यू परंतु बहारगाम और सौराष्ट्र थी आता दर्दियों में वधारो। ऑक्सीजन की जरूरियातवाड़ा दर्दियों ने खानगी होस्पिटल में रिफर कर। सूरत में फायर विभाग फरी एक बार एक्शन में, कोविड और नॉन कोविड 22 होस्पिटल में तपास कर 22 में 16 होस्पिटल ने नोटिस फटकारी। राजकोट में कोरोना से मृत्यु सिलसिलो यथावत है। कोरोना से 57 लोगों का मृत्यु थया। गईकाले 66 दर्दियों का मृत्यु थया था, जिसमें 23 दर्दियों का मृत्यु कोरोना से थया होवानो डेथ ऑडिट कमिटी नो रिपोर्ट। राजकोट में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान भवन में कोरोना सहित मानसिक रोग की पीड़ाता दर्दियों माटे कॉल सेंटर शुरू करवामां आव्यो। अहीं मानसिक संतुलन गुमावी चुकेला लोकोनी सारवार कराय छे। सेंटर में दैनिक 250 थी वधारे कॉल आवे छे। दर्दी ने दाखल कर्या बाद तेनुं काउंसिलिंग करवामां आवे छे। आ सारवारथी दर्दियों सारो अनुभव करी रह्या छे, तो सारा परिणामना संस्थाना वडानो दावो। तो राजकोट में सतत संक्रमण वधी रह्यु छे, त्यारे कोरोना ने डामवा तंत्र द्वारा तमाम प्रयास करवामां आवी रह्या छे। जेना भागरूपे राजकोट शहर में तंत्र द्वारा सेनेटाइजर की कामगीरी करवामां आवी। शहर विविध विस्तारों में सेनेटाइजर छंटकाव करवामां आव्यो। राजकोट में 95 वर्षीय स्वातंत्र्य सेनानीए मात्र 3 दिवस में कोरोना ने मात आपी। कोरोना संक्रमित थया बाद मनुभाई ने दूधसागर रोड पर आवेली श्रीजी कोविड हॉस्पिटल में दाखल करवामां आव्या हता, ज्यां 3 दिवस की सारवार बाद तेओ स्वस्थ थया। स्वस्थ थता मनुभाई डॉक्टर अने तंत्रनो आभार पण व्यक्त कर्यो। तो राजकोट में आवेला चौधरी ग्राउंड में फरी एक बार वाहनों की लांबी कतारों जोवा मळी। अंदाजे 80 जेटला वाहनों दर्दियों ने दाखल करवानी राह जोई रह्या हता, जो कि गईकाल करता आ लाइन में आंशिक घटाड़ो थयो छे। तो कोरोना संक्रमण की चेन तोड़वा धोराजी सज्जड़ बंद। कोरोना ना वधता केस ने कारण धोराजी वेपारियों द्वारा स्वैच्छिक लॉकडाउन नो निर्णय करवामां आव्यो। तमाम वेपारी सज्जड़ बंद पाळशे। साबरकांठा में हिम्मतनगर सहकारी जीन विस्तार में रेमडेसिविर इंजेक्शन की काळाबजारी करता 4 शख्स झड़पाया। छटकू गोठवीने एनसीबीए 3 इंजेक्शन साथ 4 शख्स की धरपकड़ करी। हाल पुलिस इंजेक्शन क्यांथी लावीने क्यां वेचता हता ते दिशा में तपास हाथ धरी। कच्छमां वधता कोरोना संकटनी वच्चे जीके जनरल होस्पिटल में तमाम 400 बेड भराई चुक्या छे। ऑक्सीजन अभावे खानगी होस्पिटल में दर्दीओने दाखल करवानो इनकार। दर्दी दाखल न करता परिवारजनोए इन्चार्ज कलेक्टरना घरनी बहार विरोध प्रदर्शन कर्यो। विरोधना पगले होस्पिटलनी बहार पुलिसनो बंदोबस्त गोठवी देवामां आव्यो। जामनगरना कालावाड़मां 50 बेडनुं कोविड सेंटर शुरू करवामां आव्यो। भाजपना स्थानिक अग्रणी द्वारा रणुजा रोड परनी जीपीए स्कूल खाते कोविड केर सेंटर शुरू करायो, जेमां 40 बेड अने 10 ऑक्सीजन बेडनी व्यवस्था करवामां आवी। आ साथे जरूरियात अनुसार वधारानां 50 बेडनी व्यवस्थानुं पण भाजपना नेताओ आयोजन करी रह्या छे। ભાવનગરમાં તંત્રએ કોરોનાને ડામવા આયુર્વેદનો સહારો લીધો। ભાવનગરમાં નામાંકિત આયુર્વેદ ડોક્ટર મહેન્દ્ર સરવૈયા દ્વારા મફત ઓપીડી શરૂ કરવામાં આવી, જેમાં દરરોજ મોટી સંખ્યામાં દર્દીઓ ભાગ લે છે। આ સેન્ટર પરથી આયુર્વેદિક દવા લઈને તેઓ અનેક લોકોએ કોરોનાને માત આપી છે। ભુજ સ્વામિનારાયણ મંદિર દ્વારા કોવિડ આઇસોલેશન વોર્ડનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો। આ કોવિડ આઇસોલેશન વોર્ડમાં 150 બેડની વ્યવસ્થા છે, સાથે દર્દીઓના સ્વજનો માટે રહેવા જમવા પીવાની પણ સુવિધા કરવામાં આવી છે। तो सूरत में कोरोना ने लईने 5 मे सुधी टेक्सटाइल मार्केट बंद रहेशे। सूरत ना मैधरपुरा डायमंड मार्केट पण बंद रहेशे। कोरोना नी चेन तोड़वा टेक्सटाइल मार्केट अने हीरा बजार द्वारा प्रयास हाथ धरवामां आव्यो। चुडा सरकारी कोविड होस्पिटल में एम्ब्युलेंस नो अभाव। कोरोना मृतक परिवार ने हालाकी। तो गोरखवाड़ा दर्दी मृतदेह ने छकड़ा में लईने जवानो वारो आव्यो। गामना मुस्लिम युवानोए हिंदू रीत रिवाज अनुसार अंतिम विधि करी।